रुकता नहीं है, किसका नहीं रुकता, किसका रुका है भाई? तुम्हारे में किसी का रुका हो तो दे जाना हमें। मैं कह दूं अच्छा एक बार भयंकर चोट से बचे हो, कौन नहीं बचता है? मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बहुत सी सिद्धियां भारत देश में हुई हैं और होती हैं, कईयों के पास वो सिद्ध भी हैं, उनको मैं नमन करता हूं, लेकिन कई उनकी आड़ में फोकट की चलाने लग गए, आडंबर करने लग गए। अब बाद में धर्म किसका बदनाम हुआ? सनातन धर्म बदनाम हुआ। इसलिए निवेदन है भैया, भगवान नाम से जुड़ो, भजन से जुड़ो, आपका सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तो धनवंत समुद्र मंथन की कथा चल रही थी, श्री धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले हैं, सब तरफ झगड़ा हो गया, छीनने लग गए अमृत, दैत्य अमृत छीन कर भागे, कुछ जगह अमृत गिरा, वहीं पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। भगवान के पास देवता गए, बोले अमृत तो गया, बोले ऐसी बात? तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु आप ही बचा सकते हैं। तो विष्णु जी ने क्या किया, भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी का रूप ले लिया, बोल मोहिनी अवतार की जय। भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी का रूप लिया, अब मोहिनी का, अब मोहन इतने सुंदर वैसे भी लगते हैं, अब मोहन मोहिनी बन जाए तब कितना सुंदर लगेगा गोविंद। आप सोचिए जरा, कल्पना कर सकते हैं आप, भगवान कितना प्यारा लगने लगा, सब मोहित हो गए भगवान के स्वरूप को, दैत्य भूल गए। भगवान ने कहा ऐसे अमृत पियोगे, लाभ नहीं होगा, अमृत पीने के लिए पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, लाइन में बैठना पड़ेगा, मैं बांटूंगी। तो दैत्यों ने कहा तुम मुझसे शादी कर लोगी? बोले बिल्कुल। अब तो अमृत बांटने लगे भगवान, दैत्य बैठ गए, देवता बैठ गए ऊपर, भगवान ने क्या किया, मदिरा तो देवता पी ही चुके थे, जल ऊपर कर लिया, नीचे अमृत कर लिया, जल दैत्यों को पिला दिया, अमृत देवताओं को पिलाने लगे। तो एक राहु नाम का दैत्य था, वो जान गया, वो आकर के देवताओं की लिस्ट में बैठ गया, तो उसने भी अमृत पी लिया। अब उसने अमृत पिया तो अमर हो गया, लेकिन चंद्रदेव बैठे थे, उन्होंने बता दिया महाराज उसने अमृत पिया, भगवान ने शीश काट दिया चक्र से, लेकिन मरने वाला कहां था, वो दो हो गए राहु और केतु। भगवान ने कहा ठीक है तुमको नवग्रहों में स्थान दिए देते हैं, तो राहु केतु नवग्रहों में आ गए। इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के अमृत बांटा और देवताओं को अमर किया, देवताओं से दैत्यों का पुनः युद्ध हुआ, दैत्य हार गए, देवता फिर जीत गए, इंद्र राजा बन गए। लेकिन श्री शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः दैत्यों को जागृत किया और ब्राह्मणों से नाम जप कराया, कहा भगवान को हराना है तो भगवान के नाम से ही हारेंगे भगवान। अच्छा भगवान दुनिया से भले जीत सकते हैं, पर जो भगवान का नाम जपता है उससे भगवान हार जाते हैं। भगवान से पूछा गया प्रभु आप परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप तो परम स्वतंत्र होंगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अहम भक्त पराधी, मैं परम स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्तों के अधीन हूं। तभी तो बड़े बड़े भक्त कहते ठाकुर जी नाच, और बिहारी ठुमका लगा के नाचने लग जाते हैं। यदि आप भी चाहते हो भगवान नाचे आपके घर में, तो आप भी भक्ति करो, आप भी भजन करो, प्रभु आपके घर नाचने लग जाएंगे। भजन करो, नाम जप करो, ये शिवानंद आपको इतना बताने वाला खुला खुला दूसरा नहीं मिलेगा। भारत वालों मेरी बात को याद रखना, मैं उल्टा लीक पर चल रहा हूं, मुझे बदनाम भी किया जाएगा, मुझे पता है कई साजिशें भी मेरे खिलाफ होंगी, ये भी मैं जान चुका हूं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं भक्ति की बात करने आया हूं, अंधविश्वास की बात करने नहीं आया हूं। मैं आपको भक्ति से जोड़ने आया हूं, मैं आपको भगवान से जोड़ने आया हूं, मैं आपको अंधविश्वास से दूर करने आया हूं। संभल जाओ, दूर हो जाओ, तो ऐसी ठोकर लगेगी कि डेरा तो उनका जाएगा और उस डेरे के साथ में तुम्हारा भी घर जाएगा।